जनगण मन नम अनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल सर ममता जी, एक निवेदन है आपको। कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया। जंगल महल अब हंस रहा है, इट्स राइट। पहाड़ अब हंस रहा है, इट्स राइट। जो कभी सोचना असंभव था वो आप संभव करके दिखाया। वी आर प्राउड ऑफ यू। बट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कॉलेजेस ऑफ द स्टेट्स? क्या हो रहा है अब कॉलेज पर? एक भी कॉलेज मिलना मुश्किल होगा इस स्टेट पर जहां पर शिक्षांगन का मर्यादा अटूट है। जब इलेक्शन आ जाता है एक दूसरे को मार मिटने लग जाते हो, फाइटिंग करने लग जाता है हो, एक दूसरे को दुश्मन जैसा व्यवहार करने लग जाता है हो। हम गर्जियनों जब भेजते हैं उसको कॉलेज पर पढ़ाई करने के लिए और वो उधर क्या करता है हम न्यूज चैनल पर देखते हैं। ये बहुत पीड़ादायक है। वो जो बीच बम फंड लेफ्ट फंड के अमल में अनिल विश्वास वो आता कॉलेज में पॉलिटिक्स को इंटर करके वो आज भी और ज्यादा चल रहा है। और वो जो प्रॉब्लम कॉलेज पर हो रहा है वो ज्यादातर बाहर का आदमी कॉलेज में घुस के कर रहा है। और कुछ पॉलिटिकल लीडर ने कुछ छात्र को दिमाग में पॉइजन जहर घुसा देता है और इसलिए शिक्षांगन का मर्यादा बढ़ बढ़ खून हो रहा है। सर, यू आर द चीफ एडमिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड यू कैन डू सर। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट अथॉरिटी। इफ यू थिंक देन ऑफ कोर्स यू कैन डू सर। ये स्टूडेंट जाति का मेरुदंड होता है। स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। वो ऐसा करने लगे तो कैसे एक अच्छा देश हमको मिल सके? कभी नहीं मिल सके। ये कुछ स्टूडेंट यहां से भविष्य में नेता बन जाएगा तो इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर, आप जैसे जंगल मॉल को शांत किया, जैसे पहाड़ को शांत किया, एक कॉलेज को शांत करने के लिए आपका थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। आप सोचो तो हो जाएगा। और कभी कभी तो ये छात्रों ने एक ही पार्टी को दूसरे लॉबी से मारपीट लगता है। बहुत दुख आता है सर जब टीवी में देखता हूँ कोई लेडीज कॉलेज का वो लड़कियों ने एक दूसरे को बाल खींचते हैं। ये क्या है? ये क्या है? वो जो माँ, वो जो बहन है, वो जो भविष्य का माँ है, वो ऐसा कर रहा है, उसका भी बच्चा भविष्य में देखेगा उसको, उसको माँ ने क्या किया? एक दूसरे का बाल खींच रहा है, ये क्या हो रहा है? आप दीदी, मैंने देखा गांव में जाओ, आप गांववासी को दिल में बैठते हो। हाँ, दिल में, अब दिल में है उसका। हाँ ठीक है, ये ठीक है, सच्चाई है। बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी है हमारे स्टेट पर जो आपको सोचना चाहिए। ये प्रॉब्लम डीप है, बहुत बड़ा डीप। इसको सॉल्व करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सेम सर, सर छत्रयंग अध्ययनंग तपो, इस मंत्र को आप स्टैब्लिश कीजिए शिक्षांगन पर। बंद कर दीजिए, लोह लोहन नहीं होना चाहिए शिक्षांगन। और ज्यादा से ज्यादा अच्छा छात्र है जो चाहता है से पढ़ाई करना, जो बीस बीख
सदियों पहले अनिल बिश्च ने रोआ था शिखांगन पर, वो पढ़ दीजिए हो, उधर दीजिए हो और एक अच्छा शिक्षा एटमोस्फियर, एजुकेशनल एटमोस्फियर क्रिएट कर दीजिए। जनगण मन नमः।